जोरदार तालियां चाहिए जितने भी कंट्री से मोम एंड किड्स स्ट्रॉन्ग है बस जोरदार ताली चाहिए गाइस कम ऑन टीच हिम टू फ्लाई से जो भी टैलेंट होता है जो हमारे इंडस्ट्री में आने वाला होता है ऑल दिस थिंग्स आई ऑलवेज इन्जॉय मैं हमेशा अपने टीवी स्क्रीन पे भी जो भी रिलेटेड टू टैलेंट शोज़ आते हैं मैं उन्हें भी देखती हूँ सो दिस इज़ ऑलवेज अ चार्म फॉर मी सो आई ऑलवेज इन्जॉय शी इज़ माई इन हाउस सेलिब्रिटी एंड टैलेंट रनवे की इज़ अ सेलिब्रिटी पार्टनर भी हैं अच्छी तरह बारबी डॉल एज़ वेल और ये टैलेंट रनवे इन्हीं के थ्रू स्टार्ट हुआ कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि चलो ऐसा करते हैं कि न्यू कमर को भी हम लोग एक्चुअली आप देखा जाए तो ये तीन लोग हैं जिन्होंने टैलेंट रनवे को खड़ा किया है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन विदाउट एनी डिमांड मैंने इनको सिर्फ एक कॉल किया वी हैव वन शो एंड वी वॉन्ट यू टू बी हियर दैट वॉज डन इन सम विलेज उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि हाउ आई विल ट्रैवल इट वॉज 5 hour रोड ट्रैवल बट स्टिल शी सेड इट क्योंकि वो मेरा होम टाउन था इन्होंने मेरे लिए उतनी लंबी ट्रैवलिंग की एंड देन शी केम देयर सो इट वॉज लाइक बिकॉज ऑफ हर आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग टैलेंट रनवे तो टैलेंट रनवे स्टार्ट ही हुआ क्योंकि सोनी का सपोर्ट था वाओ तो ये बहुत ज़्यादा मुझे प्यार बोल रही है बट द थिंग इज ऐसे हाथ जब दोनों मिलते हैं तब जाके हाँ एग्जैक्टली सो ऐसे ही शुरुआत भी ऐसी हुई थी मेरा लाइफ का पहला इवेंट आई डन विथ हिम सो वहाँ से रिलेशन ये स्टार्ट हुआ बिल्डअप हुआ ट्रस्ट स्टार्ट हुआ फिर जाके आज ये यहाँ पे पहुँचा है सो दोनों तरफ से हाथ मिले हैं आज ये जो कंपटीशन हो रहा है इसमें यू नो आज बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं यस यस ऑफ कोर्स यस यस
तो क्या लगता है इन फ्यूचर हमें कुछ बहुत ही अच्छे मास्टरपीसेस मिलने वाले हैं? डेफिनेटली, अभी जस्ट मैं देख ही रही थी बच्चों में जो एटीट्यूड है, द एटीट्यूड हम सीखते हैं ग्रूम होने के लिए, या हम सारी चीज़ें देखते हैं कि अच्छा आज क्या नया चल रहा है, वो ऑलरेडी उनमें है ये सारी चीज़ें. दिस वो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ग्रूमिंग क्लासेस की भी अब ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनमें इतना अच्छा चार्म है, एटीट्यूड है. सो डेफिनेटली मुझे लगता है इसमें से कोई ना कोई एक तो हमारी इंडस्ट्री के लिए आने वाला है. फैंसी ड्रेस में दुल्हन बन के गई थी तो टीचर बोलती है दुल्हन क्या करती है, दुल्हन रोती है, सोन इज क्राइंग. सो आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई जस्ट सॉ कि एक साथ इतने सारे लोग, और अब भी मैं देखती हूँ बच्चों को ना, लाइक डैम आई वॉज लाइक पता नहीं कहाँ थी मैं, और अब के बच्चे देखो सुपर गुड, बट सुपर गुड. कितना टफ होने वाला है ये कॉम्पिटिशन? आई गेस ये वाला तो टफ होगा बिकॉज सब एक से एक बढ़ के बच्चे हैं. मतलब जस्ट लुक एट द वार्डरोब, जस्ट लुक एट द एटीट्यूड, बच्चे इतने स्मार्ट हैं. चुनना एक्चुअली बहुत इम्पॉसिबल टाइप्स हो जाएगा, बट ऑब्वियसली एक होगा, लेकिन एक्चुअली दिस विल बी अ टफ. आर यू इन अ जजिंग पैनल? या काइंड ऑफ शुरू से ही जज करते आ रही हैं ये पूरा शो. अब शायद नाम उठा के भी पूछ लेंगे तो पार्टिसिपेंट का नाम बता देंगे. हम लोग कल भी जब आए थे सो यस ग्रूमिंग क्लासेस में कल आए थे, सो काफ़ी वहाँ पे भी टीचिंग हुई, उनसे काफ़ी चीज़ें मैंने पूछी और उनके बारे में जाना, उनके भी काफ़ी क्वेश्चंस थे. सो वहाँ पर ही जब मैंने देख लिया तो मुझे लगा ये तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है. द किड्स आर, वो एंथू जो है वो डर भी नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज सो देयर, स्पार्क है बच्चों में. थैंक यू सो मच.